बैक अगेन विद माय न्यू वीडियो और आज हम बनाने जा रहे हैं कपकेक्स, बट बिल्कुल न्यू स्टाइल में, जिसमें हम कपकेक्स तो बनाएंगे लेकिन बेक नहीं करेंगे, स्टीम करेंगे। आज की हमारी इस रेसिपी का नाम है स्टीम मिल्क कपकेक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टीम्ड मिल्क कपकेक्स बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क पाउडर, पिसी हुई चीनी, मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, रिफाइंड ऑयल, अंडा, वेनीला एसेंस और दूध। सबसे पहले हम स्टीमर में पानी बॉईल करने रख देंगे और अपने यूज एंड थ्रो वाले कप्स को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे, उस बॉल में अंडा ऐड कर देंगे और अंडे के साथ हम उसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अंडे का यूज़ किया है। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, अंडा आप नहीं खाते हैं, तो उसकी जगह आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं। एक अंडे की जगह आप एक कटोरी दही यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इस अंडे और पिसी हुई चीनी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब अंडा और पिसी हुई चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, तब हम इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। रिफाइंड ऑयल ऐड करने के बाद इन तीनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को कम से कम हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से बीट करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं हैंड बीटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ये जल्दी से मिक्स हो जाएंगे और बैटर भी स्मूथ हो जाएगा। 5 से 10 मिनट बीट करने के बाद ये एक स्मूथ सा बैटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बैटर बहुत फ्लफ़ी भी हो जाएगा। जब बैटर स्मूथ और फ्लफ़ी हो जाए, अब हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, जब हम इसे मिक्स करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसे कट एंड फोल्ड के मेथड से ही मिक्स करना है। दोस्तों, अभी हमारा बैटर थोड़ा ड्राई है, इसीलिए हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसमें तब तक दूध डालकर मिक्स करते रहेंगे जब तक इसकी रिबन जैसी कंसिस्टेंसी ना आ जाए। दोस्तों, अब हमारा बैटर एकदम स्मूथ हो चुका है। अब हम इसमें बचे हुए इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। सबसे पहले बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, उसके साथ ही में बेकिंग सोडा भी ऐड कर देंगे और लास्ट में बचा हुआ वेनीला एसेंस भी ऐड कर देंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से इस बैटर में मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है, अब हमने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है तो हम इस बैटर को ज़्यादा ज़ोर से मिक्स नहीं कर सकते। इसे हमें हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड के मेथड को यूज़ करते हुए मिक्स करना है। दोस्तों, हमारा बैटर अब रेडी हो चुका है। इसकी रिबन जैसी कंसिस्टेंसी भी आ चुकी है। इसे ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करेंगे वरना ये ओवर मिक्स हो जाएगा। दोस्तों, अब हम ये बैटर जो यूज़ एंड थ्रो वाले कप्स हमने ग्रीस करके रखे हैं उसमें एक एक करके ऐड कर देंगे। जब सारे कप्स में बैटर फिल हो जाए, तब हम उसे अच्छे से टैप कर लेंगे और सभी कप्स में ऊपर से थोड़ा थोड़ा टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर स्टीमर में पानी भी बॉयल हो चुका है, तो चलिए इन कप्स को प्लेस कर देते हैं और स्टीमर को कवर कर देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। दोस्तों, कपकेक्स बिल्कुल रेडी हैं। दोस्तों, आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये कपकेक्स कितने फ्लफी और सॉफ्ट बने हैं।
दोस्तों आप भी ये सिंपल इजी एंड क्विक रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, जिसमें 15 मिनट्स में ही आप टेस्टी और यमी कपकेक्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और आई होप ये बहुत से लोगों के लिए बहुत ही न्यू रेसिपी है और आपने घर पे शायद कभी ट्राई नहीं की होगी, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।